महाराज की जय हो। महाराज, पांडवों का संदेश लेकर भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए हैं। ताजश्री, दोनों आचार्य और महामंत्री विदुर उन्हें सम्मान सहित ले आए। महाराज की जो आज्ञा। हे वत्स दुर्योधन, वासुदेव कौंतेय के राज पुरोहित नहीं है, वे संपूर्ण सनातन सत्य है, इसका विशेष ध्यान रखना पुत्र। वंदे श्री कृष्ण की जय। वासुदेव श्री कृष्ण की जय। वासुदेव श्री कृष्ण की जय। हे अनुकूल भूषण, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और स्थान ग्रहण कर मेरी राजसभा का मान बढ़ाए। हे माधव, अब आप बताएं कि प्रिय अनुज पुत्रों की तरफ से क्या प्रस्ताव लाए हैं। हे नरेश, मैं किसी ओर से नहीं आया और ना ही कोई प्रस्ताव लाया हूँ। मैं स्वयं ही आया हूँ और अपना ही प्रस्ताव लाया हूँ, पर आपको ये विश्वास अवश्य दिलाता हूँ कि इस सभा में मैं जो कुछ भी स्वीकार कर लूंगा, पांडव उसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। हे माधव, युद्ध तो कदाचित कोई नहीं चाहता। हे गंगा पुत्र, जब युद्ध कोई नहीं चाहता तो कदाचित क्यों। हे नरेश, आप न्यासधारी हैं और आप जैसे न्यासधारी के विराजमान होते न्याय का प्रबंध नहीं होना चाहिए। हे धर्म ध्वज रक्षक, कुरुवंश को शांति के मार्ग पर ले चलिए, इसी में भारत वंश और सारे संसार की भलाई है। हे महाराज, पांडवों के साथ आज जो भी अन्याय हो रहा है, इतिहास उसका उत्तरदायी आपको मानेगा, किसी और को नहीं। इसलिए पांडवों को इंद्रप्रस्थ लौटा दीजिए। वासुदेव, मुझे यह शांति प्रस्ताव बिल्कुल ही स्वीकार्य नहीं है। तनिक विचार तो कर लेते पुत्र। पितामह, इसमें सोचना क्या है, उन पांडवों का पर्णभंग विराट युद्ध में ही हो गया था। नियम के अनुसार उन्हें 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए चले जाना चाहिए था। हे गंगा पुत्र, हे आचार्य, आप लोग इनके चिंतक है, कृपया इनका समुचित मार्गदर्शन कीजिए। वासुदेव, इंद्रप्रस्थ तो कभी नहीं। हाँ, यदि आपके पास कोई और प्रस्ताव हो तो उस पर अवश्य विचार कर सकता हूँ। हे गांधारी नंदन, यदि प्रस्ताव ही का सवाल है तो मेरे पास एक और प्रस्ताव है। हे महाराज, यदि दुर्योधन चाहे तो इंद्रप्रस्थ अवश्य रख ले और पांडवों को केवल 5 गांव दे दे तो वो वही लेकर संतुष्ट हो जाएंगे। हे महाराज, केवल 5 गांव। 5 गांव, और वो भी उन पांडवों को? कभी नहीं, मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दे सकता। 5 गांव देना तो दूर। हे गांधारी नंदन, क्यों अपनी माता गांधारी को अपने शव पर विलाप करने के लिए आमंत्रित कर रहे हो? वासुदेव, यदि तुम दूर न होते तो। दुर्योधन, अपनी जीवा में सदाचार का अंकुश लगाना सीखो दुर्योधन। सदैव उचित व अनुचित का ध्यान रखना चाहिए। बस जैसे कुल्हाड़ी लकड़ी को काटती है, वैसे ही व्यक्ति का कपट उसे कुल्हाड़ी बनकर काट डालता है। आप इन्हें बोल लेने दीजिए पितामह, यदि मैं दूत न होता तो क्या कर लेते दुर्योधन। इस तरह भरी सभा में मेरी माता जी का नाम लेने पर मैं तुम्हारी जीभ खींच कर प्रत्यक्षा बना लेता और तुम्हें कारागार में डाल देता। तुम राजदूत को बंदी बनाओगे? तुम उस अतिथि को बंदी बनाओगे जिसको लेने के लिए स्वयं गंगा पुत्र भीष्म और आचार्य गए थे। हे दुर्योधन, यदि तुम मुझे बंदी बना सकते हो तो अवश्य प्रयास करके देख लो। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन, बांध मुझे। जो है असाध्य साध उसे। सैनिकों, इस मायावी को बंदी बना लो। अरे पुत्र, ये क्या कर रहा है?